हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी जय दिस इज अनुपम सर। हम यहां पर आज स्टार्ट करें बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एल्कीन्स, ये वाला पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का। सो यहां पर जो है एल्कीन्स की रिएक्शन हम देखेंगे ऑब्वियसली। तो काफी सारे स्टूडेंट जो है हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, सर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कब होंगी? तो यहां पर हम एल्कीन्स और एल्काइन्स वाली रिएक्शन जो है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज पर्टिकुलरली एल्कीन्स पे फोकस करेंगे, इसके अलावा भी जो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, और जल्दी से इसको शेयर भी कर दो बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी यहां पर आ जाएं। यहां पर जो आपको मेरे बारे में पता ही होगा, दिस इज योर कंप्लीट अनअकैडमी चाहिए की टीम जो आपके लिए बेहतरीन लेक्चर्स बनाती है। सारे लेक्चर्स आप जो है टेलीग्राम चैनल पे यहां पर आके लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएंगे और आप लाइव क्लास एनवायरमेंट में उसको देख सकते हैं। उसी के साथ बच्चों livedaily.me/je इस वीडियो बुक पे आपको पुराने जितने भी लेक्चर्स है वो सारे मिल जाएंगे, और पूरी अनअकैडमी जे की टीम बच्चों आपको लाइव क्लास एनवायरनमेंट में सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका बेस्ट रैंक लाने के लिए बनाया गया है, बिकॉज बेस्ट रैंक के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, चाहे लाइव क्लास एनवायरनमेंट हो जिसमें आप इंटरेक्शन कर सके टीचर्स के साथ, या फिर रेगुलर टेस्टिंग हो, ठीक है, कि आप टेस्ट दे सकें, ये सीख सकें कि यार आपने कहां गलती करी है, क्यों गलती करी है। उसी के साथ जो है आप जो है इंटरैक्टिव वे में क्लास में पूरी चीज समझ सकें, तो ये बच्चों आपके सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल होता है ये सभी चीजें। और इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी जे की टीम है, उसके अलावा कोटा की फैकल्टीज हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो अभी तक जो स्टूडेंट्स हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है उनका आ रहा है। सो यू कैन बी अश्योर्ड कि आप घर बैठे बैठे यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट रैंक जो है वो आप लेके आ सकते हैं। 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन बच्चों यहां पर बेस्ट रहता है, एंड यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव फॉर योर सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है बच्चों यहां पर, जहां पर आपको पर्सनल मेंटर्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। यहां पर बच्चों जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स का ही देख रहे हैं। हमने जो है एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, उनसे रिलेटेड रिएक्शन यहां पर देखी है, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शन हमने यहां पर देखी है, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स उससे रिलेटेड देखा है, कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड देखा है। तो हमने यहां पर बहुत तरह के ग्रुप्स का जो है रिएक्शंस देखी हैं इन दिस चैप्टर। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास क्या है, एक बेस बिल्डअप होता है ताकि हम जो है आगे जाके जब और इस तरह की रिएक्शंस देखें वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाए। आज हम पर्टिकुलरली जो बात करेंगे वो है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू पाई बॉन्ड्स इसकी। तो पाई बॉन्ड्स जो है वो मेनली हम कहां पर बात करते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एल्कीन्स के बारे में है ना, हम यहां पर रिएक्शन देखेंगे किस तरीके से एल्कीन्स के जो पाई बॉन्ड है उन पे एडिशन होता है, इसका आज हम जो है डिस्कशन करने वाले। सो वेलकम एवरीवन। यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो इस तरीके से एल्कीन्स और एल्काइन्स की रिएक्शन जो है उनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है ना। क्यों इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है इसको ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं बच्चों एल्कीन्स और एल्काइन्स की, तो इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर यहां पर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स बहुत आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, और पाई बॉन्ड्स जो हैं वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने बेंजीन में देखा था, याद है जब हमने EAS रिएक्शन करी थी इससे पहले, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें भी हमने बोला था कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बहुत आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर एक नॉर्मल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लेते हैं तो बच्चों इसके अंदर भी क्या होता है, ये जो आपकी पाई बॉन्ड्स यहां पर होते हैं, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर रिप्रेजेंट्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। और ये क्या काम कर सकते हैं, ये आपके न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज जिसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, एसेंशियली ये पूरा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रोफाइल की साइड जा सकती है। तो यहां पर होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच मेक्स एल्की एंड एल्काइन्स एज न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं विच मेक्स एल्कीन एंड एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब एल्कीन्स और एल्काइन्स बच्चों जो है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। और यहां पर अगर हम देखें,
यहां पर अगर हम देखें ये किसी इलेक्ट्रोफाइल की साइट जब जाते हैं, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल की साइट जब जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पर जाके उससे एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा हम बेंजीन के अंदर देखते हैं, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है इन दी ईएएस रिएक्शंस। तो जिस तरीके से ईएएस रिएक्शन के अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहां पर आपका क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड जाके एक सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल से बना सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हम बोलते हैं कि यार ये वाली रिएक्शन जो है इस तरीके से एल्कीन्स और एल्काइन्स को न्यूक्लियोफाइल की तरह लेके चलती है, और इससे होता क्या है, इससे हमारे पास इस तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे पास यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। अब देखो बात यह है कि भाई यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे क्या हो रहा है, बट अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली यहां पर आपके पास जब इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, और इसके बाद यहां पर अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, पहले तो हमने बोला कि यार एल्कीन और एल्काइन जो है वो काम कर रही हैं, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रही हैं, और जब वो अटैक करेंगी तो वहां पर खुद जो है कार्बोकेटाइन्स क्रिएट होंगे। अब वहां पर जब खुद कार्बोकेटाइन्स क्रिएट होंगे तो वो किसी और न्यूक्लियोफाइल को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अल्टीमेटली होता क्या है बच्चों, इससे अल्टीमेटली हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इसका मतलब जो यहां पर एल्कीन्स और एल्काइन्स है उनके पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और उनके ऊपर कुछ चीज आके ऐड हो जाएगी। क्या चीज ऐड होगी ये डिपेंड करेगा क्या हमारे पास ई और एनयू है। हम यहां पर बहुत सारे अलग अलग केसेस देखेंगे किस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल स्पीशी जो है वो एल्कीन्स या एल्काइन्स पे आके ऐड हो सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली एल्कीन्स की बात करें, ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस कि भाई यहां पर जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन में क्या होगा, जनरल रिएक्शन में हम बोलेंगे कि जैसे सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर हमारा कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के दो पार्ट्स हैं, उस कंपाउंड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। तो जो डबल बॉन्ड है, ठीक है जी, वो यहां पर अटैक करके फाइनली क्या क्रिएट कर देगा, यहां पर क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये यहां पर देखो एक जनरल इसकी रिएक्शन हमने लिख दी, किस तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है, पाई बॉन्ड पे आके कुछ ऐड हो गया और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और दो नए सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्रिएट हो गए। नाउ द आइडिया इज कि भाई ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर क्या कोई इंटरमीडिएट क्रिएट होता है, और अगर इंटरमीडिएट क्रिएट होते हैं तो किस टाइप के इंटरमीडिएट क्रिएट होते हैं। तो हमने बोला कि यार यहां पर कार्बोकेटाइन जो है वो क्रिएट होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी आती है कि यहां पर जो कार्बोकेटाइन है वो भी दो टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास इंटरमीडिएट्स ऑफ इंटरमीडिएट लिख देता हूं, है ना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन is created, ठीक है जी। पर यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात याद है बच्चों कि जब यहां पर कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है तो वो भी दो टाइप का कार्बोकेटाइन यहां पर देखा जाता है। यहां पर एक सिर्फ सिंगल कार्बोकेटाइन नहीं देखा जाता, दो टाइप के कार्बोकेटाइन देखे जाते हैं। अब ये दो टाइप के कार्बोकेटाइन का क्या मतलब हुआ, इसको हम समझते हैं। तो बच्चे यहां पर जो कार्बोकेटाइन है इसके आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। यहां पर एक होता है आपके पास, है ना, ब्रिज्ड साइक्लिक कार्बोकेटाइन, और दूसरा होता है ए साइक्लिक कार्बोकेटाइन। नॉर्मली जब हम कार्बोकेटाइन्स की बात करते हैं तो हम जो है ए साइक्लिक कार्बोकेटाइन की बात कर रहे होते हैं। ए साइक्लिक कार्बोकेटाइन मतलब एक ऐसा कार्बन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए जिसके ऊपर, है ना, प्योर पी ऑर्बिटल खाली हो। पर यहां पर मैकेनिज्म में यह भी देखा जाता है कि कुछ कुछ मैकेनिज्म में आपके पास एक ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन भी क्रिएट होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन, इसकी बात करी जाएगी।
तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर बच्चों आपके पास होता क्या है, यहां पर आपके पास सी डबल बॉन्ड सी पे, मैं दोनों टाइप के कार्बोकेटाइन आपको बनाकर दिखाता हूं, ब्रिज साइक्लिक कार्बोकेटाइन और ए साइक्लिक कार्बोकेटाइन, इन दोनों को हम डिस्कशन करते हैं कि जैसे ए साइक्लिक कार्बोकेटाइन है ये कैसा दिखेगा और ब्रिज कार्बोकेटाइन है वो कैसा दिखेगा। तो ध्यान से देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर हमारे पास सपोज ई और एनयू आया, अगर हम बोल रहे हैं कि एक ए साइक्लिक कार्बोकेटाइन है तो उसका ये मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा सादा है ना, बिल्कुल सीधा सादा जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो क्रिएट होगा। और सीधा सादा कार्बोकेटाइन जो है जो वो कैसा दिखता है, सीधा सादा कार्बोकेटाइन हमारे पास इस तरीके से दिखता है। इसका मतलब यहां पर एक प्योर पी ऑर्बिटल जो है वो आपका खाली रहेगा, है ना, यहां पर क्या है, यहां पर आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल रहेगा। अब होता क्या है, जब हमारे पास इस तरीके से कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है जो कि एक प्योर पी ऑर्बिटल के साथ क्रिएट हो रहा है, तब वहां पर होता क्या है बच्चों, तब वहां पर आपका क्रिएशन, वहां पर जो है रीअरेंजमेंट का चांस हो जाता है। ठीक, किसका चांस हो जाता है, रीअरेंजमेंट का चांस हो जाता है। इस वाले केस में जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल आपके पास क्रिएट होता है इस कार्बन पे, ठीक है, इट कैन लीड टू रीअरेंजमेंट्स। और रीअरेंजमेंट होने के बाद, है ना जी, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहां पर क्या होता है, एक बार सारे पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो गए और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका क्रिएट हो गया, तब वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइलिक स्पीशी कहां से आई, हमने यहां पर जो स्पीशी डाली थी उसमें दोनों पार्ट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होगा, अब न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी यहां पर अटैक करके आपका ये वाला कंपाउंड जो है वो क्रिएट कर देगी। और क्योंकि यहां पर बच्चों आपके पास प्योर कार्बोकेटाइन क्रिएट हो रहा है, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर आपके पास इस वाले कार्बन पे, है ना, इस वाले कार्बन पे दो पॉसिबल कॉन्फिगरेशंस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, दो पॉसिबल कॉन्फिगरेशंस यहां पर क्रिएट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैसे आ रहा है, और जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है इनकी रिलेटिव पोजीशंस जो है वो डिफाइन नहीं होती स्टीरियोकेमिकली। इसका मतलब कि जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल सपोज ऊपर से आके लगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी ऊपर से आके लग सकता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से भी आके लग सकता है, दोनों ही पॉसिबल केस यहां पर हो सकते हैं, है ना। यहां पर अगर इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करी जाए, ठीक है जी, अगर यहां पर इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो हमें यहां पर बच्चों दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसके अंदर जो कार्बन कार्बन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे अगर ऊपर से आया है हमारे पास, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी ऊपर से आ सकता है, या फिर हमारे पास जिस साइड इलेक्ट्रोफाइल आया है उसके ऑपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, क्योंकि यहां पर एक प्योर कार्बोकेटाइन क्रिएट हो रहा है। और प्योर कार्बोकेटाइन जब क्रिएट होता है हमारे पास, तो बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से है और नीचे से है दोनों ही साइड से आ सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना जी, यस, दोनों साइड से हमारे पास आ सकता है। तो यहां पर ये आपके पास मैकेनिज्म होगा, ठीक है, ये हमें कहां देखने को मिलेगा, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि जैसे हम यहां पर HCl या HBr इस तरह की चीजें अगर हम ऐड करते हैं तो हमें यहां पर ये वाला मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है H3O+ इसका एडिशन हो तो हमें इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इसका मतलब यहां पर जो है साइक्लिक कार्बोकेटाइन का हमें कैसे देखने को मिलता है, ब्रिज्ड साइक्लिक कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखो, ब्रिज्ड साइक्लिक कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास कैसे क्रिएट होता है, वो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशी होती है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी पे जब आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी साइड उठ के जाती है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके कुछ पार्शियल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर होता क्या है, यहां पर आपके पास दोनों ही कार्बन, है ना, दोनों ही कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल कुछ पार्शियल बॉन्ड बना लेता है, दोनों ही कार्बन से ये वाला जो है पार्शियल बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रोफाइल।
अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहां पर आपके पास प्योर पी ऑर्बिटल नहीं क्रिएट होता है ना, किसी भी कार्बन पे यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर होता क्या है, यहां पर आपके पास इस तरह का ब्रिज क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल ना होने की वजह से रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होते है ना, यहां पर जो है आपके रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होते। नो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है, और जब हमारे पास ऑर्बिटल यहां पर नहीं होता है सो यहां पर रीअरेंजमेंट के चांस नहीं होते, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है जी, और यहां पर जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करी जाती है तो यहां पर देखो स्टीरियो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, कैसे यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है, ध्यान से देखो इसमें होगा क्या, इसमें यहां पर ऐसा होगा कि देखो यहां पर हमारे पास एल्कीन है, अब एल्कीन तो क्या हमारे पास प्लानर होती है ना, एल्कीन तो हमारे पास क्या होती है, प्लानर होती है। अब सपोज यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, सपोज ऊपर से आया, अब जब ये यहां पर ऊपर से आएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो सेम साइड से नहीं आ सकता जिस साइड पे इलेक्ट्रोफाइल है, जिस साइड पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है उसके सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता, उसको हमेशा कहां से आना पड़ता है, उसको हमेशा नीचे से अटैक करना पड़ता है या ऑपोजिट साइड से आना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल को जो है ऑपोजिट साइड से यहां पर आना पड़ता है, और यहां पर या तो इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे वो अटैक करेगा, जिससे कि आपके पास क्या क्रिएट होगा है ना, सपोज वो इस साइड पे अटैक कर रहा है तो आपको पूछो यहां पर जो कंपाउंड क्रिएट होगा उसके अंदर है ना, उसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो यहां पर ये अटैक की वजह से क्या हुआ, यहां पर ये अटैक की वजह से न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे तो यहां पर ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा है ना, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन का जो पार्शियल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या क्रिएट होगा, इसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड क्रिएट होगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड पे ऐड हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट साइड पे ऐड हुए, हमेशा यहां पर ये ऑपोजिट साइड पे ही ऐड होंगे, सेम साइड पे नहीं ऐड होंगे, ठीक है, इसकी वजह से यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इसकी वो इंपॉर्टेंट होती है। ये हमें कहां देखने को मिलता है, अब ध्यान से देखो, ये हमें ऐसे केसेस में देखने को मिलता है जहां पर आपके हैलोजन एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं, ये हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें वहां देखने को मिलता है जहां पर हैलोजन एटम्स जो है बच्चों वो आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कौन से हैलोजन एटम्स, कॉमनली जैसे हमारे पास Cl+ या Br+ होता है, ठीक है, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो इस तरह का मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, और इस तरह के मैकेनिज्म में आपका रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता, सिंगल प्रोडक्ट आपके पास क्रिएट होता है, रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यह बात आती है कि भाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स कैसी होगी, हमने मैकेनिज्म की तो बात कर ली, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर डिस्कस करें कि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है, कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी इस तरह के मैकेनिज्म के लिए, कौन सी कम रिएक्टिव होगी, किन किन फैक्टर्स पे हमारे पास रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है कि देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हमारे पास दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और जो यहां पर दो स्टेप की रिएक्शन है उसमें पहले स्टेप पे कार्बन पे है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे यहां पर एडिशन हो रहा है। अब जो पहला स्टेप है यहां पर उसमें ये C डबल बॉन्ड C न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है, बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस डेंसिटी में है ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना आसानी से अटैक हो पाएगा, ठीक है जी, है ना, ये क्या है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इतनी आसानी से अटैक हो पाएगा, पहली बात तो ये, और दूसरा बात ये है कि भाई यहां पर जो है इंटरमीडिएट भी क्रिएट हो रहे हैं, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन टाइप के इंटरमीडिएट है,
तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उतनी आसानी से रिएक्शन हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। जितनी आसानी से तुम्हारा स्टेबल, जितनी आसानी से तुम्हारा कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाए उतनी आसानी से रिएक्शन हो जाती है। तो यहां पर यही फंडा है बच्चों कि आपका जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, और जितना वहां पर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतना आपकी फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है वाली बात, है ना। तो ध्यान से देखो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन सी डबल बॉन्ड सी इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। सिंपल सी बात है कि भाई तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड सी की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज होगी, उस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी, अगर यहां पर क्या लगा हो, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो वो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बट अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट सी डबल बॉन्ड सी इंक्रीज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इट्स रिएक्टिविटी। और यहां पर होता क्या है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उससे एक और चीज होती है, उससे कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबिलाइज हो पाता है। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, वहां पर कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबिलाइज हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई एल्काइल चेन लेके चलते हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल चेन है, जैसे हमारे पास सपोज CH3C है ना, कार्बोकेटाइन C और HCC, ये वाला कार्बोकेटाइन हम लेके चले, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर जो CH3 है वो इस कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्ट इफेक्ट दोनों से स्टेबलाइज करेगा। और अगर ये हमारे पास दोनों से स्टेबलाइज करता है ना, दोनों से स्टेबलाइज करता है, तो भाई ये इंटरमीडिएट ज्यादा आसानी से बन जाएगा और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए। इसका मतलब जो ओरिजिनल हमारे पास एल्कीन है, ओरिजिनल एल्कीन कैसी होगी, ओरिजिनल एल्कीन कुछ ऐसी होगी, है ना, ओरिजिनल एल्कीन कुछ ऐसी होगी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कहां पर ज्यादा मिलेगी, वहां पर ज्यादा मिलेगी भाई जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ाएंगे और दूसरा वहां पर जो कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा है ना उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाएंगे, राइट। तो दोनों से ही हमारे पास क्या है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी जितना तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, यस, क्लियर है वाली बात। तो देखो यहां पर मैंने ये वाला ऑर्डर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर के बेसिस पे है ना तुम देख सकते हो कि जो हमने यहां पर पॉइंट डिस्कस किया वो वैलिड है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि भाई अगर हमारे पास ये वाली एल्कीन हम लेके चल रहे हैं, है ना, तो जैसे हमारे पास R R R R ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे CH3 है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, ठीक है, एंड CH3। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जो CH3 है ना, वो अपना हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा भी, और साथ में जो यहां पर कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा उसको स्टेबिलाइज भी करेगा। तो यहां पर जितने ज्यादा आपके CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उतनी फास्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर सबसे तेज रिएक्शन है, फिर जो है हमने एक CH3 अगर कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो और कम हो जाएगी। फिर देखो, जब हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं तब हमारे पास तीन केसेस क्रिएट होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ दो ही CH3 ग्रुप्स हैं एक एल्कीन के ऊपर, तो हमारे पास तीन पॉसिबल केस क्रिएट हो सकते हैं। इसको भी ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यहां पर अगर ध्यान से सुनोगे तो देखो क्या देखोगे कि भाई यहां पर आपका CH3 ग्रुप या तो आप एक ही कार्बन पे लगा सकते हो या इसको दो ऑपोजिट कार्बन पे लगा सकते हो, बट ट्रांस फॉर्म में लगाओगे, सॉरी सिस फॉर्म में लगाओगे। ठीक है, और यहां पर इसको जो है आप ट्रांस फॉर्म में लगा रहे हो, है ना, ये हमारे तीन पॉसिबल केस हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम ये वाला केस देखते हैं कि यार इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सिस और ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होती है, है ना। जहां पर क्या हो, जहां पर आपके एक ही कार्बन पे दो CH3 लगे हो वहां पर ज्यादा हो, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है। ध्यान से देखो क्या होगा, यहां पर अगर मैं कार्बोकेटाइन क्रिएट करता हूं, है ना, इस वाले केस में देखो कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा तो कहां पर क्रिएट होगा, हम यहां पर बोल सकते हैं कि भाई यहां पर कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे अगर क्रिएट होगा तो ज्यादा स्टेबल क्रिएट कार्बन हो, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां पर दो दो R ग्रुप लगे हुए हैं तो दो दो CH3 हैं,
एक ही कार्बन पे दो दो CH3 है, दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे और इसको ज्यादा स्टेबिलाइज करेंगे एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू अगर हमारे कार्बन पे एक ही CH3 ग्रुप है, जैसे सपोज हम ये वाला कार्बोकेटाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है जी, इस वाले कार्बोकेटाइन में क्या है, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, इसके पास एक ही R ग्रुप है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा हमारे पास, कम हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से यहां पर जो है, यहां पर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कम मिलेगी एज कंपेयर टू दिस। अब यहां पर हमें यह तो समझ में आ गया कि यार इस वाले केस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिस और ट्रांस से जो होगी ज्यादा होगी। अब सिस और ट्रांस में कैसे कंपेयर करें, ठीक है, सिस और ट्रांस में कैसे कंपेयर किया जाए, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर होगा क्या, सिस वाला जो है वो हमारे पास लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल क्यों होता है सिस वाला, हमको पता ही है कि भाई उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो जो हमारे पास लेस स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हमारा एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कंपाउंड अनस्टेबल है ना, कंपाउंड अनस्टेबल है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो कंपाउंड यहां पर अनस्टेबल है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर ओवरऑल आपके पास इस तरह का बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने को मिलेगा कि जैसे हम यहां पर सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी एच एच, ठीक है जी, यहां पर सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री एच और एच, ठीक है, और यहां पर फिर हमारे पास सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच एच और एच, ठीक है, यस, चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, है ना, ई आर जी और ई डी जी लगाओ भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और ये फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक नॉर्मल एल्कीन से ज्यादा होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो एक नॉर्मल एल्कीन से कम हो जाएगी। जैसे हम यहां पर केस लेके देखते हैं कि भाई सपोज हमारे पास यहां पर सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच और एच, है ना, एच ये है, और हमारे पास देखो सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एल्कीन ये है, और हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी एन ओ टू, ठीक है जी, ये है। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर जो सी एस थ्री है वो आपका प्लस आई भी लगाएगा, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, इससे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, कार्बोकेटायन जो यहां पर बनेगा आपका इंटरमीडिएट वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल एल्कीन। और यहां पर अगर NO2 लगा देते हो तो देखो NO2 आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम करेगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी कम करेगा, ठीक है, यस, क्या होगा यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम करेगा और यहां पर इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी कम करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपको यहां पर बच्चों ये देखने को मिलता है ना, इस तरीके से आपको यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर हमारे पास जो है ना, यहां पर हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जैसे पर्टिकुलरली इस केस की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर इंटरमीडिएट अगर क्रिएट हो रहा है ना, यहां पर अगर इंटरमीडिएट क्रिएट हो रहा है तो इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक है तो हमारे पास दो टाइप की एल्कीन्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। एक हम बोलते हैं मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, और एक होता है हमारे पास एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। क्या सबको पता है मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट क्या होता है और एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट क्या होता है? आई थिंक कुछ लोगों को तो पता ही होगा, जल्दी से मुझे बताओ कि यार क्या होता है, ठीक है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 था, ठीक है, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, ये हमने बात कर रखी है बहुत जगह, है ना, दो टाइप के आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, कितना कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है कौन कम होता है ये हमने बच्चों देख लिया है कहां पर, जब हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो पिछले हमारे जितने लेक्चर्स हैं वो सभी कनेक्टेड हैं इस लेक्चर से, ऐसा मत सोचना कि यार ये इंडिपेंडेंट लेक्चर है, ठीक है। सो अब देखो होता क्या है, अब हमारे पास यहां पर जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि भाई हमारा ऐसा भी हो सकता है कि सपोज यहां पर कोई हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन,
तो ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ये क्या हमारे पास, मोर सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि भाई यहां पर हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन की जगह है ना, जैसे नॉर्मल इथीन होती है, इथीन में हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 NO2 एनीथिंग कैन बी देयर। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हाइड्रोजन की जगह आपने कुछ और लगा दिया, ठीक है, कोई ग्रुप लगा दिया, और ये आपका क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, जब आपका अटैक होता है ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, तो आपके पास दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस यहां पर क्रिएट हो सकती हैं। दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस कैसी हैं, दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती हैं कि भाई जो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ठीक है, जो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, या तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके लगे, जिस पे ग्रुप लगा हुआ है उसी पे आके न्यूक्लियोफाइल लगे, और पास वाले कार्बन पे हमारे पास क्या हो, पास वाले कार्बन पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके लगे, ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर यहां पर ऐसा हो सकता है कि भाई यहां पर जो जिस जगह ग्रुप है उस जगह तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ रहा है। ये दोनों ही पॉसिबल टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यहां पर मिल सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर सपोज ये वाला ग्रुप जो है वो यहां पर कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाइज करता है ना, ये वाला ग्रुप यहां पर बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाइज करता है, तो न्यूक्लियोफाइल देखो यहां पर अटैक करेगा, या फिर अगर ये वाला ग्रुप जो है वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबिलाइज करता है, तो कार्बोकेटाइन यहां ना बनके यहां पर बनेगा और न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर अटैक करेगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कैसे डिफरेंस है ना, तो यहां पर देखो यहां पर हमें समझ में आएगा है ना, सपोज मैंने यहां पर ग्रुप लगा दिया है ना, यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। अब देखो यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, इसकी वजह से हो सकता है कि भाई आपका है ना जो कार्बोकेटायन है वो पास वाले कार्बन पे बने, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी वजह से कार्बोकेटायन इसी जगह बन जाए, ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना, दो पॉसिबिलिटी यहां पर, या तो ये बन सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा बन सकता है, ऐसा बन जाए, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज आए, या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो तो कार्बोकेटायन पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो तो आपके पास कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो दो तरीके से आ सकता है, या तो आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आ जाए, या आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आ जाए। तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास कैसा ग्रुप है। अगर देखो आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वहां हम बोलते हैं कि यार ये हमारे पास मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है ना, ये हमारे पास मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना मार्कोवनिकोव की दो टाइप की स्पेलिंग होती है, या तो यहां पर वी भी आ सकता है, या यहां पर एफ भी आ सकता है ना, बस प्रोनंसिएशन सही कर देना। बट क्या होती है ना, मतलब ये जो है रशियन साइंटिस्ट वगैरह के जो नाम होते हैं, जैसा हमने सेज़ेफ और ज़ेट्सेफ में भी देखा, ठीक है, तो स्पेलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो स्पेलिंग का इतना वो नहीं है, बस नाम जो है ना प्रोनंसिएशन सही हो जाना चाहिए। यहां पर डब्ल्यू की जगह वी भी आ सकता है, ठीक है, सो मार्कोवनिकोव, ठीक है, इस तरीके से हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, अब यहां पर हमारे पास अगर ये मार्कोवनिकोव है तो इसको क्या बोला जाएगा कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे अगर हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो हमारे पास इसको एंटी मार्कोवनिकोव बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा,
यहां पर इसको एंटी मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बोला जाएगा। सो मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आ रहा है, नहीं तो वो आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। सो अब यहां पर अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या बनना चाहिए, मार्क, वहां पर आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन वहीं पर बनेगा। और ये दोनों ही केस में होता है ना, ये हमारे पास क्या है, दोनों ही केस में देखने को मिलता है कि चाहे आपका जो है साइक्लिक ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा हो या फिर आपके पास जो है एसाइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहा हो। जैसे हमने यहां पर एसाइक्लिक कार्बोकेटाइन का देखा, बिल्कुल वैसे ही ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन में भी होता है। ब्रिज कार्बोकेटाइन में भी अगर आपके पास जो है ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे है, तो वहां पर आप बोलोगे मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो आप बोलोगे कि यार वहां पर एंटी मार्कोवनिक ऑफ बनेगा। दोनों ही केस में हमें देखने को मिलता है, ब्रिज हो चाहे हमारे पास साइक्लिक हो। तो यहां पर देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि CH3 है ना, सी डबल बॉन्ड सी और एच H, H, इस पे देखिए अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कैसे आएगा, इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर आपके पास जो है कार्बोकेटाइन बन जाना चाहिए, है ना, यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाना चाहिए, और यहां पर होगा क्या, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल तो इस जगह पर आएगा, ठीक है, और ये वाला कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, है ना, ये ज्यादा प्रेफर्ड है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू अगर यहां पर कार्बन जो है वो इस तरीके से है, ना जी, ये आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये मोर स्टेबल है बिकॉज यहां पर CH3 लगा हुआ है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया, और अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका यहां पर अटैक करेगा, इससे क्या बनेगा, इससे आपके पास मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जबकि इस केस में है ना, आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अगर सपोज ये वाला कार्बोकेटाइन बने तो वो कब बनेगा, ध्यान से देखो, जैसे सपोज हमने ये लगा रखा है NO2, ठीक है जी, NO2 सपोज हमारे पास है। अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते हैं, ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड होगा है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड होगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कहां पर प्रेफर होगा ऐड होना, यहां पर आपके पास ये प्रेफर होगा इस जगह पर ऐड होना, ताकि आपका कार्बोकेटाइन जो है वो NO2 से दूर बने, जो कार्बोकेटाइन है वो आपके पास क्या है, दूर बने, ठीक है। वाली बात, तो अब यहां पर कार्बोकेटाइन अगर यहां पर बना है, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास बच्चों दो टाइप के कंपाउंड्स यहां पर देखने को मिलते हैं, मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट और एंटी मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो हम अब यहां पर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल रिएक्शन से, कि सपोज हमें यहां पर एडिशन रिएक्शन करानी है डबल बॉन्ड पे, और हैलोजिनेशन हमें कराना है। हैलोजिनेशन का मतलब कि हमारे पास यहां पर हैलोजन्स ऐड हो रहे हैं, तो हैलोजन्स जो है बच्चों अगर आप डबल बॉन्ड पे ऐड कर रहे हैं तो उनके अंदर ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, और ऐसा ही कुछ वहां पर जो है प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहां पर अगर हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसके अंदर आप Cl2 और Br2 का एडिशन बहुत आसानी से यहां पर करा सकते हैं, Cl2 और Br2 का एडिशन आप बहुत आसानी से यहां पर करा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना F2 और I2 का एडिशन हम नहीं कराते, बिकॉज फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है और आयोडीन जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल कैरेक्टर शो करता है, बहुत आसानी से एड होना पसंद नहीं करता। दिस इज द सेम पॉइंट जो कि हमने EAS के अंदर भी पढ़ा था। अगर आपने EAS यहां पर अटेंड करा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन,
देखो वहां पर भी मैंने बताया था कि यार वहां पर भी फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए नहीं कराते, और आयोडीन जो है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, इसलिए वहां पर भी नहीं कराते। ठीक है, सेम चीज यहां पर है, बिकॉज सिमिलैरिटी है ना, है ना, फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बनाना नहीं पसंद करता, और जो हमारे पास वो है आयोडीन वो रिवर्सिबल कैरेक्टर शो करता है। तो इसलिए देखो यहां पर क्या होता है, सी एल टू और बी आर टू का हम मेनली एडिशन कराते हैं, और ये हमारे पास देखने को क्या मिलता है, ये हमें एंटी एडिशन देखने को मिलता है। एंटी एडिशन क्या बोला था मैंने, एंटी एडिशन क्या हुआ, एंटी एडिशन का मतलब कि भाई यहां पर एक्स ऊपर से आ रहा है अगर, तो दूसरे वाले कार्बन पे एक्स जो है वो नीचे की साइड आएगा इस तरीके से, दिस इज एंटी एडिशन, है ना। हमने यहां पर बोला कि यार एंटी एडिशन जो है वो बन सकता है, तो ऑब्वियसली अगर आपको समझ में आ गया हो, है ना, मैंने पहले भी लिखा था कि अगर आपके पास हैलोजेंस जो है, है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह आते हैं, हैलोजेंस जब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह आते हैं तो वहां पर आपका ब्रिज्ड साइक्लिक कार्बोकेटायन जो है वो क्रिएट होता है एज इंटरमीडिएट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास इंटरमीडिएट जो होगा वो हो जाएगा ब्रिज्ड साइक्लिक कार्बोकेटायन। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, यहां पर हम क्लोरीन और ब्रोमीन को इस तरीके से ऐड कराते हैं। ठीक है, तो वापस से यही बात है कि भाई यहां पर रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल होंगे नहीं, तो हमेशा पास पास वाले कार्बन पे ही आपके दोनों सीएल या दोनों बीआर ऐड होंगे। अच्छा, ये भी पॉइंट आता है कि भाई यहां पर ये रिएक्शन अगर हमें करानी है तो यहां पर सॉल्वेंट कौन सा यूज करें, जैसे क्लोरीन को अगर हमें डिजोल्व करना है, क्लोरीन गैस को, तो कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाए। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हम जो है जनरली ए पोलर सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ए पोलर सॉल्वेंट यहां पर हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि CCl4। ठीक है, CCl4 का हम यहां पर यूज कर लेते हैं। ध्यान रखना आपको जो है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स लिखे मिल सकते हैं। जैसे अगर हम EAS की बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर आपको जो रिएजेंट यूज करना होता है वो होता है AlCl3, है ना। तो ये मत सोचना बस Cl2 लिख के काम चल जाएगा रिएक्शन में, आपको Cl2 के आगे और भी चीजें लिखनी पड़ेंगी ताकि आपको क्लियर हो आप कौन सा वाला मैकेनिज्म जो है वो कराना चाहते हो। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि भाई कौन सा वाला रिएजेंट यहां पर आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। अगर मैं एल्कीन के ऊपर एडिशन करा रहा हूं, है ना, तो मैं वहां पर Cl2 AlCl3 का यूज नहीं करूंगा, वहां पर AlCl3 का यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वहां पर यूज करेंगे Cl2CCl4, दैट्स इट, या Cl2CHCl3 ऐसा भी यूज कर सकते हैं। हमें यहां पर जो है AlCl3 नहीं यूज करना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यार रिएजेंट जो लिखा हुआ है कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है जी, सो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बच्चों आपके पास इस तरह का कंपाउंड क्रिएट होता है, या फिर हमारे पास ब्रोमीन का एडिशन है तो ब्रोमीन के एडिशन में आपके पास इस तरह का कंपाउंड जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हमेशा एंटी एडिशन होगा। इस चीज को ध्यान रखना, एक बार प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एक बार अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो यहां पर रोटेशंस उसके बाद हो सकते हैं। देखो यहां पर आपके रोटेशंस नहीं हो सकते, है ना, नो रोटेशंस, ये आपको पता ही है। क्यों रोटेशन नहीं हो सकता, बिकॉज जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है बच्चों, है ना, उसके अक्रॉस रोटेशन नहीं हो सकता, ये हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में सीखा है। बट ये चीज ध्यान रखना, एक बार अगर तुम्हारे पास यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया तो रोटेशन हो सकते हैं, उसके बाद तो आप इसको घुमा के ऐसे रख सकते हो कि दोनों सीएल एक साइड आ जाए, पर जब इनिशियल पॉइंट पे ऐड होंगे तो ऑपोजिट साइड में ऐड होंगे, है ना, जब वो सबसे फर्स्ट ऐड होंगे तो ऑपोजिट साइड पे ऐड होंगे और फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन चेंज हो सकती है, उसके बाद तुम्हारी कॉन्फर्मेशन चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जो इनिशियल पॉइंट होगा वो तुम्हारा एंटी एडिशन का होगा। ठीक है, चलो तो इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो कैसा होगा, है ना, इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी है, अब यहां पर जो है X2 आएगा, ठीक है, X2 हमारे पास क्या क्या है, X2 हमारे पास Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है। तो देखो XX इस तरीके से यहां पर क्या क्रिएट होगा, यहां पर हमारे पास सबसे पहले, है ना, डबल
बॉन्ड जो है वो किसी एक हैलोजन की साइड मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये अगर इस तरीके से देखो ब्रेक होता है तो हमारे पास यहां पर क्रिएट होगा एक साइक्लिक ब्रिज्ड कार्बोकैटायन। और अब यहां पर जो X माइनस है ना, अब यहां पर जो X माइनस है वो इस तरीके से अटैक करके इसको ओपन कर देगा एंड दिस गिव्स अस सी एक्स और एक्स। ठीक है, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस ओनली सिस और बोथ, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, एंटी एडिशन का सिस और ट्रांस से कोई रिलेशन नहीं है ना, एंटी एडिशन जो है सिस और ट्रांस से रिलेटेड नहीं है। एंटी एडिशन ये है कि भाई तुम्हारे पास कोई भी हो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, एक अगर ऊपर से आएगा तो दूसरा वाला नीचे से आएगा कंपल्सरी, एंटी एडिशन यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यस। तो यहां पर अगर बात की जाए इस तरीके से जो हमें यहां पर एंटी एडिशन जो है वो देखने को मिलता है और क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर हमें देखने को मिलता है विद CCl4 इस तरह का रिएजेंट यूज करके। ठीक है, तो यहां पर एंटी एडिशन होगा, ब्रिज्ड कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा और मार्कोवनिकोव एडिशन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर जो है इस पर्टिकुलर केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या भी बस मार्कोवनिकोव हो एंटी मार्कोवनिकोव हो, बिकॉज हमें करना क्या है यहां पर तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम ही है। ठीक है, कैसे सेम है ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास एक एटम जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है और दूसरा एटम न्यूक्लियोफिलिक है। एक एटम जो कि पहले जाके अटैच होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक है और दूसरा वाला एटम आपके पास न्यूक्लियोफिलिक है, तो दोनों ही एटम सेम ही है तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पर जो है क्या प्रोडक्ट बनाओ है ना, आपका यहां पर अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आने वाला है। मार्कोवनिकोव भी बनाओ चाहे एंटी मार्कोवनिकोव बनाओ वो भी सेम आएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, यस। तो इसमें हाँ, इसमें साइक्लिक हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो क्रिएट होता है। अब यहां पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पर क्यों इन्वॉल्व है इस केस में, जैसे हम देखते हैं सपोज हमारे पास ये एक सिस टू ब्यूटीन दिया हुआ है, सिस टू ब्यूटीन के अंदर अगर सपोज हमें यहां पर एडिशन कराना हो Br2 का, तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो अगर हम करते हैं तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हम वही वाला मैकेनिज्म जो है वो यूज करेंगे। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, मैकेनिज्म में देखो हम इस तरीके से बोलेंगे है ना, मैकेनिज्म में हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि यार यहां पर हमारे पास Br देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर ये डबल बॉन्ड जो है वो उठ के इस Br के ऊपर अटैक कर रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो देखो इससे हुआ क्या, इससे हमारे पास कुछ इस तरह की चीज क्रिएट हो जाएगी है ना। तो भाई यहां पर डैशेस क्या दिखा रहे हैं, डैशेस दिखा रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर है हाइड्रोजन उससे पीछे की साइड जा रहा है, और यहां पर जो वेजेस हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई जो भी आपके पास प्लेन है पेपर का उससे कार्बन जो है वो बाहर की साइड आ रहा है। एंड वेरी सिमिलरली यहां पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब Br एड हुआ है ना, सपोज मैं यहां पर Br को इस कलर से बना देता हूं, देखो Br जब एड होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का साइक्लिक कार्बोकैटायन क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट Br- यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर आपके पास क्रिएट होगा इस तरीके से Br-। ठीक है जी, और अब ये यहां पर अटैक करेगा। अब यहां पर जब अटैक करेगा तो ध्यान से देखो ये दोनों ही पोजीशन सेम ही है, ये दोनों ही पोजीशन हमारे पास सेम है, दो कार्बन में यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहां पर कोई कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता, मोर सब्स्टिट्यूटेड होता, तो ये Br- मोर सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक कर देता, कंसिडरिंग कि यार वो ज्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन हमें देगा। जैसे यहां पर CH3 है, अगर सपोज ये CH3 नहीं होता है ना, ये CH3 नहीं होता तो Br- कहां पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, Br- इस पर अटैक करेगा अगर यहां पर CH3 और यहां पर नहीं है तो, पर अगर यहां पर दोनों जगह CH3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, दोनों ही जगह अगर CH3 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर जब अटैक होगा है ना, यहां पर जो अटैक होगा उसमें सपोज हमने यहां पर अटैक करा दिया और इसको ऐसे ओपन करा दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री जो यहां पर बच्चों क्रिएट होगी वो कैसी होगी कि भाई देखो यहां पर जो बॉन्ड है पहले वो प्लानर थे, अब देखो जब ये नीचे से अटैक होगा है ना, हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे आपके पास क्या है, इस तरीके से दो यहां पर ये बॉन्ड्स आ रहे हैं ना, ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब देखो जब नीचे से अटैक होगा और ये sp3 बनेगा तो आपके जो प्लानर बॉन्ड्स थे वो ऊपर की साइड चले जाएंगे, और सपोज ये दो बॉन्ड्स प्लेन में हैं और ऊपर से अटैक हो रहा है और sp3 बन रहा है तो ये नीचे चले जाएंगे है ना। sp2 कार्बन से sp3 बनने की बात करें, ऊपर से अटैक होगा तो ये नीचे चले जाएंगे,
और अगर नीचे से अटैक होगा तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर देखो, अगर हमारे पास अटैक हो रहा है और ये वाला जो अटैक है आपका नीचे की साइड से होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सी टी, ठीक है नहीं, एच सी बी आर, और यहां पर होगा हमारे पास बी आर, और यहां पर होगा हमारे पास सी, और यहां पर होगा एच, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये क्रिएट हुआ। अब यहां पर बात ये है कि भाई ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, क्या ये हमारे पास जो है कायरल कार्बन क्रिएट हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि यार ये कायरल कार्बन एक्चुअली क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर हर एक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके दोनों ही कार्बन कायरल क्रिएट होंगे, ठीक है जी। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, है ना। चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं इन दोनों कार्बन पे, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन अलग है, और ये पूरा ग्रुप अलग है। सिमिलरली यहां पर ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कार्बन और ये पूरा ग्रुप अलग है, तो अलग अलग ग्रुप लगे हुए ना। तो क्वेश्चन इज कि क्या ये पूरा कंपाउंड भी कायरल होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन रहते हैं तो हमारे पास मीजो आइसोमर का केस भी आ सकता है। सो द क्वेश्चन इज क्या यहां पर ये मीजो आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये किस बेस पे बोलेंगे, इसको करने के लिए हमें यहां पर इसकी फर्दर जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, जैसा हमने बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर सीखा है ना, जैसा हमने यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीखा है, यहां पर हमें फर्दर जो है इसमें चेंज लाना पड़ेगा। फर्दर चेंज कैसे लेके आएंगे, इसका हम क्या बना लेते हैं, इसको हम जो है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके हमें पता लग जाएगा कि यार यहां पर मीजो कंपाउंड लगी नहीं है। यहां से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, यहां पर आप जो है ना इस बॉन्ड के अलोंग, इस बॉन्ड के अलोंग इस कार्बन को रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, है ना जी। कैसे रोटेट करोगे, यहां पर इस कार्बन को ऐसे 180 डिग्री जो है वो रोटेट कर दो। तो देखो आपका बीआर जो पहले ऊपर की साइड है वो नीचे की साइड चला जाएगा, कार्बन जो ऐसे बाहर की साइड आ रहा है वो पीछे की साइड चला जाएगा 180 डिग्री, और हाइड्रोजन जो ऐसे है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। जो भी है सारे आपके ग्रुप्स जो हैं वो 180 डिग्री पे चले जाएंगे। तो 180 डिग्री पे जाएंगे तो देखो कैसा होगा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखेगा, अब यहां पर ये हमने जो चीज करी है इससे हुआ क्या, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। और आपको यहां पर क्लियर कट दिखेगा बच्चों, क्योंकि इस वाले केस में देखो कार्बन बाहर की साइड आ रहा है और हाइड्रोजन अंदर की साइड जा रहा है, कार्बन अंदर की साइड जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर की साइड आ रहा है, और दोनों बीआर जो है वो तो सेम ही साइड है, तो यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, इजंट इट। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन में करके भी दिखा सकता हूं। अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में करता हूं तो देखो क्या होगा, फिशर प्रोजेक्शन में इसको ऐसे लिखता हूं मैं कि भाई हमारे पास यहां पर ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, इस वाले कार्बन में बाहर की साइड है, सपोज मैं इसको लेफ्ट की साइड बनाता हूं, एच को राइट की साइड बनाता हूं, और यहां पर ये ऑपोजिट साइड आ जाएगा। अब देखो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगा, है ना, ध्यान से देख लो, है ना। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट बताया था, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली पॉइंट बताया था। अगर तुम यहां पर देखोगे, यहां पर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कार्बन अगर ऊपर की साइड है तो तुम्हें यहां पर ऐसे नीचे की साइड कार्बन दिखना चाहिए था, है ना। तो यहां पर नहीं है, नो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमारे पास क्या होगा, ये एक एक्टिव कंपाउंड होगा, दिस इज एन एक्टिव कंपाउंड। अब देखो प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक्टिव कंपाउंड है तो यार यहां पर आपके दो एक्टिव कंपाउंड क्रिएट हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं क्रिएट हो सकता, दो दो क्रिएट हो सकते हैं। दो दो क्यों क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज यहां पर जब हमने ये वाला रिएक्शन कराया तब पर्टिकुलरली हमने इस ब्रोमीन को ऊपर की साइड रखा और इस ब्रोमीन को नीचे से अटैक कराया यहां पर, और वो भी इस वाले कार्बन पे। अगर हम ये ना कराते
और इसके ओपोजिट अगर हम ये कराते है ना, अगर हम यहां पर इसके ओपोजिट ये चीज कराते, कलर में देख रहा हूं कौन सा वाला यूज करूं, हाँ अगर मैं ये वाली चीज कराता तो कहानी चेंज हो जाती, अगर यहां पर मैं दूसरा वाला अटैक कराता तो कहानी चेंज हो जाती है ना। क्यों कहानी चेंज हो जाती, बिकॉज फिर बीआर जो है वो इस साइड आएगा, यहां पर अलग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगी और इस पे अलग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगी। अगर ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ब्रोमीन नीचे जा रहा है तो इस पे अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, अगर वही ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे अटैक करता तो ब्रोमीन इस पे ऊपर की साइड आता तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होती, दो अलग कॉन्फ़िगरेशन यहां पर क्रिएट होती। इसका मतलब दोनों ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है ना, दोनों ही कार्बन पे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती। ये हमने केस वन बनाया था, ठीक है, ये हमने केस वन बनाया, यहां पर केस टू भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड रुको यार, टूटू आवाज आने लग गई यार, एक सेकंड रुको, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास दूसरा केस भी हो सकता है, और ये जो दूसरा केस है इसके अंदर क्या बनेगा, इस दूसरे केस में हमारे पास इस कंपाउंड का ऑपोजिट आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, कैसा वाला, ऐसा वाला जिसमें बी आर ये वाला जो है नीचे की साइड है, ठीक है, और यहां पर जो है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो, और यहां पर क्या हो, यहां पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो। जी तो ये हमारे पास दूसरा वाला केस हो गया। तो इसके अलावा देखो यार, यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं है ना, यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उन फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हमें यहां पर मिल जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो आपके पास ये वाला कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, ये वाले कंपाउंड में और ये वाले कंपाउंड में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, वन और टू जो बना है वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, है ना, दिख रहा है हमको, है ना, वन और टू जो है वो हमारे पास क्या है, मिरर इमेजेस हैं। अगर ये हमारे पास इस तरीके से मिरर इमेज हैं तो बच्चों ये हमारे पास क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे पास इनांशियोमर्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, इनांशियोमर्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और आपको यहां पर इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इनांशियोमरिक मिक्सचर मिल जाएगा, इस केस में क्या करेगा, इनांशियोमरिक मिक्सचर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इनांशियोमर मिल जाएंगे। तो यहां पर आपका जो वो है कंपाउंड वो आपका एक रेसेमिक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। पर ध्यान रखना ये इसी चीज पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपके यहां पर सेम ग्रुप्स हैं, है ना, अगर आपके यहां पर सेम ग्रुप्स हैं तो ये हो रहा है। अगर यहां पर ग्रुप्स ही चेंज हो जाए, अगर यहां पर अलग अलग ग्रुप्स हों तो फिर आप उसको इनांशियोमर नहीं बोल पाओगे, फिर आपके पास कहानी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फिर आप उसको जो है जरूरी नहीं इनांशियोमर बोलो, आपके पास जो है वहां पर डिफरेंट कहानी हो, डिपेंड करता है कि भाई आपके पास यहां पर जैसे सेम सेम ग्रुप लगा हुआ है तो भाई हमने ऐसा बना दिया है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना किस तरीके से आपके पास हो। अगर यहां पर सपोज कोई और कायरल कार्बन भी आ जाए, अगर यहां पर कोई और कायरल कार्बन भी आ जाए तो और कायरल कार्बन आने की वजह से क्या होगा, उस वाले कार्बन पे जिसपे कोई रिएक्शन नहीं होगी उसकी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी नहीं, तो फिर वहां पर डायस्टीरियोमर्स क्रिएट होंगे, फिर वहां पर क्रिएट होंगे आपके पास डायस्टीरियोमर्स। ठीक है जी, तो ये आपके सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि यार किस तरीके का है। और आपका अगर सबस्ट्रेट जो है वो इस तरीके से एक सिंपल एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है, और जिसके अंदर कोई भी और दूसरा कायरल कार्बन नहीं है तो आपका इनांशियोमरिक मिक्सचर क्रिएट होगा। अगर आपका जो है ओरिजिनल एल्कीन खुद ही एक्टिव है ना, ओरिजिनल एल्कीन खुद एक्टिव है तो फिर आपके इनांशियोमर्स नहीं क्रिएट होंगे, फिर आपके बच्चों डायस्टीरियोमर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है जी, यस, अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हमने सिस एल्कीन का केस करा, अब देखो हमारे पास यहां पर है ट्रांसब्यूटुइन। अगर हम ये पूरी कहानी ट्रांसब्यूटुइन के अंदर करेंगे तो क्या होगा, है ना, तो ट्रांसब्यूटुइन के अंदर करके देखते हैं। तो यहां पर अगर देखो बीआर पे अटैक होगा तो इस केस में कुछ इस तरह का हमारे पास कंपाउंड क्रिएट होगा, सी सी
एच, और जो हमारे पास बी आर है ठीक है वो ऐसे ऊपर से आया, और फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास यहां पर एक और बी आर है ठीक है, बी आर माइनस, और वो सपोज यहां से अटैक कर रहा है ठीक है, वो सपोज यहां पर अटैक कर रहा है। अगर वो यहां पर जब अटैक होगा तो क्या होगा, सपोज हमने उससे यहां पर अटैक कराया तो क्या क्रिएट होगा हमारे पास, हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा ठीक है, सी एच ठीक है जी, यहां पर एच और यहां पर सी, नहीं यहां पर ये गलत हो गया, अब देखो यहां पर ये क्रिएट हुआ है ना, अब यहां पर ये वाली चीज जो है क्रिएट हुई है, ये वाला जो कंपाउंड बना है क्या इसके अंदर कायरल कार्बन हैं? तो ध्यान से देखो यार, ये वाले कार्बन तो हमारे पास कायरल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो पहले वाला केस था बिल्कुल वैसे ही केस है, यहां पर कायरल कार्बन है। बट अब यहां पर अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन जो है वो बनाते हैं है ना, या फिर फिशर प्रोजेक्शन ना बना के इसको सिंपल सा प्रोजेक्शन के अंदर भी देख लेते हैं, तो देखो हम यहां पर वापस से क्या करेंगे, हम वापस से यहां पर इस वाले कार्बन पे 180 डिग्री रोटेशन लेके आएंगे, और 180 डिग्री रोटेशन से होगा क्या, 180 डिग्री रोटेशन जब हम यहां पर करेंगे ठीक है, तो इस वाले कार्बन के सारे ग्रुप जो है वो ऑपोजिट एंड पे चले जाएंगे, ऑपोजिट एंड पे जब जाएंगे तो देखो कैसा लगेगा, ऑपोजिट एंड पे जाएंगे तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है क्रिएट होगा, है ना। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा ठीक है, अब आपको यहां पर क्या दिखेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर दिख रहा होगा, या फिर अगर सिंपल सा इस कंपाउंड के अंदर देख लें तो आपको यहां पर जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा होगा है ना, इस कंपाउंड में यहां पर आपको ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा होगा, या फिर आप उस कंपाउंड में देखोगे है ना, रोटेट करके कॉन्फॉर्मेशन, हमने कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर दी तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गया। तो इसका अगर अब हम यहां पर फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो देखो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसा होगा, जिसमें आपके सेम साइड पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन आएंगे और ब्रोमीन कुछ इससे निकलेगा, अब ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, मीजो कंपाउंड ठीक है। और अगर हम यहां पर बी आर माइनस का अटैक इस साइड कराते तो भी कहानी में कोई चेंज नहीं आता, जैसे हमने यहां पर बोला कि यार यहां पर ये हमारे पास पहला क्रिएट हुआ है, सपोज हम यहां पर एक दूसरा अटैक करा रहे होते इस तरीके से, तो जैसा पहले केस की कहानी है कि मीजो कंपाउंड बना है, वैसे ही दूसरे केस की भी कहानी होती कि मीजो कंपाउंड ही बनता है ना, मीजो कंपाउंड ही बनता हमारे पास, उसमें कोई चेंज नहीं आता। So, अगर हमारे पास इस तरीके से मीजो कंपाउंड बन रहा है तो भाई ये वाला जो मिक्सचर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा एनेंचुमेरिक मिक्सचर नहीं होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा, और मीजो कंपाउंड तो एक ही बनता हमारे पास है ना, मीजो कंपाउंड जो है वो अलग अलग नहीं मिलता है तो उसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे ठीक है। चलो इसमें बताओ आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, है ना, इसमें आपके पास यहां पर क्या आंसर होना चाहिए, ये जी। तो आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपके पास ये वाला सिस ब्यूटुइन दिया हुआ है, और अभी जो हमने पूरी कहानी पढ़ी उसमें क्या हो रहा था, सिस एल्कीन पे अगर आपके पास है ना, सिस एल्कीन पे अगर आपके पास ये सिंपल सी एल्कीन है, और इस सिंपल सी एल्कीन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, सिस एल्कीन पे आप इस तरीके से एंटी एडिशन करा रहे थे ठीक है, तो आपको वहां पर क्या मिल रहा था, वहां पर आपको डीएल मिक्सचर मिल रहा था ठीक है, वहां पर आपको क्या मिल रहा था, वहां पर आपको डीएल मिक्सचर मिल रहा था है ना, यहां पर देखो यहां पर आपके पास ये सिस एल्कीन थी, सिस एल्कीन के अंदर आपको क्या मिल रहा था, यहां पर डीएल मिक्सचर मिल रहा था ठीक है।
तो इस चीज को ध्यान रखना, सिस प्लस एंटी एडिशन आपको क्या देता है, अगर आपके पास सिस ब्यूटुइन है उस पर एंटी एडिशन अगर आप करा रहे हो, एंटी एडिशन मतलब दो ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड से ऐड होंगे, तो जो आपके पास यहां पर क्या क्रिएट होता है, तो आपके पास यहां पर डी प्लस एल मिक्सचर जो है वो क्रिएट होता है। इसका मतलब आपके पास इनेंशियोमेरिक कंपाउंड बनने चाहिए, है ना, दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे अलग अलग कॉन्फिग्रेशन वाले, है ना, एक बनेगा आपके पास डी और एक बना एल। इसकी जगह हमने पिछले केस में देखो ये भी देखा कि अगर हमारे पास ट्रांसब्यूटुइन है और उसके ऊपर हम एंटी एडिशन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, तो हमारे पास यहां पर मीजो कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। तो अब यदि डायरेक्टली जो है ट्रिक तुम याद रख सकते हो, है ना, इसमें क्या है, जैसे बहुत सारा टाइम हमने यहां पर स्पेंड करा टू अंडरस्टैंड दी स्टीरियोकेमिस्ट्री, बट अगर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है ना दूसरे किसी एल्कीन के लिए आ गया जिसके अंदर यहां पर CH3 ना लगा हो के कोई और R ग्रुप दे रखा है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम पूरा पूरा कहानी याद करें, हम पूरा पूरा कहानी यहां पर वापस से करें, हम बेसिक फंडा याद कर सकते हैं कि इस तरीके से सिमेट्रिक एल्कीन में अगर सिस कॉन्फॉर्मेशन है या फिर हम बोल रहे सिस जो है कॉन्फिगरेशन है, वहां पर आप एंटी एडिशन करा रहे हो जैसे हमने यहां पर करा, तो आपका डी ए प्लस एल मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, जबकि ट्रांस में आपके पास ये मिल जाएगा, यहां पर मीजो कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, यस बात सुनना आगे चलो। अच्छा अब यहां पर है ना कहानी मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी, अब यहां पर जो है नॉर्मल हमने Cl2Br2 का एडिशन देखा, अब सपोज मैंने कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लिया जैसे ICl, इंटर हैलोजन कंपाउंड में बच्चों आपको क्या लगता है यहां पर कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होना चाहिए, है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये, अब यहां पर कौन सा कंपाउंड जो है वो क्रिएट होना चाहिए, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास ये वाले एल्कीन है और यहां पर बच्चों आपके पास आई है, आयोडाइड मतलब आई प्लस आयन है, ठीक है, और यहां पर Cl माइनस आयन है, isn't it? मतलब आयन्स तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, यहां पर ये क्या होंगे, यहां पर ये इस तरीके से बॉन्डेड होंगे आई सी एल, अब इसमें क्या होगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव होगा और यहां पर डेल्टा नेगेटिव होगा। तो ये हवाला केस जो है हमने EAS रिएक्शन में भी करा था कि अगर हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देख लेते हैं, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिलती है वहां पर डेल्टा नेगेटिव रहेगा, और जहां पर आपके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वहां पर आपको डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा। तो जब आपका अटैक होता है किस तरीके से होता है, आपका अटैक जो है वो इसी तरीके से होता है कि यार ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे उठ के जाता है और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। तो अब यहां पर जो आपका इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा वो बच्चों किस तरीके का होगा, यहां पर जो आपके पास इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा क्रिएट होना चाहिए आई प्लस, और यहां पर जो सीएल माइनस आएगा अब है ना वो मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट देगा, मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट मतलब जहां पर आपके पास ज्यादा सब्सटीट्यूशन है वहां पर अटैक करेगा, ज्यादा सब्सटीट्यूशन आपके पास कहां पर है, इस वाले कार्बन पे है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ज्यादा सब्सटीट्यूशन है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वहां पर, तो ज्यादा स्टेबल यहां पर जो है इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट की वजह से यहां पर अटैक की वजह से आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड जो है वो क्रिएट होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है वाली बात, है ना, तो क्या कंपाउंड यहां पर क्रिएट हो रहा है, बी आपके पास यहां पर क्रिएट हो रहा है। चलो अब यहां पर जो है इसी तरह का हम बात कर रहे हैं HOX के एडिशन के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसी ही कहानी की बात कर रहे हैं, बट यहां पर बच्चों आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास HOX के एडिशन की बात करेंगे, इसका मतलब HOBr या HOCl जो होता है उसके एडिशन की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर जैसे हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है ना, सी डबल बॉन्ड सी पे हमने HOCl डाला, तो इससे क्या क्रिएट होगा, इससे हमारे पास क्रिएट होगा यहां पर सीएल COH, इस तरीके से कुछ क्रिएट होगा, या फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड C है और यहां पर HOBr है, ठीक है, तो हमारा क्या क्रिएट होगा, यहां पर Br लगेगा और सपोज यहां पर OH लग रहा है, ये हमारे पास HOCl या HOBr का एडिशन है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो यहां पर होता क्या है, यहां पर हमारे पास दो तरह के रिएजेंट यूज हो सकते हैं, है ना, दो तरह के हमारे पास रिएजेंट जो है वो यूज हो सकते हैं, या तो हम बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर आप H2 प्लस H2O ले लो, और या फिर यहां पर डायरेक्टली HOX ले लो इन दी एसिडिक मीडियम। इसका मतलब आपके पास रिएजेंट में यहां पर क्या लिखा रह सकता है, आपके पास जो रिएजेंट है वो दो तरह के लिखे रह सकते हैं, आपके पास या तो HOCl डायरेक्टली लिख के दे दिया जाए या फिर आपको यहां पर Cl2 प्लस H2O ये भी लिख के दिया जा सकता है, और यहां पर जो HOBr दिया हुआ है इसके अंदर आप Br2
या प्लस H2O भी लिख के दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये असेंशियली क्या है, ये असेंशियली है आपका हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, है ना। ये क्या है आपके पास, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। हेलोहाइड्रिन का क्या मतलब है कि भाई यहां पर जो हमारे पास हेलोजन एटम भी है और यहां पर आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो ये आपका जो है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन। और यहां पर वापस से जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, वो आपका X प्लस ही रहता है, दैट मीन्स हेलोनियम आयन वही रहता है। जैसे इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपका Cl प्लस होगा और Cl प्लस पे आपका इस तरीके से अटैक। इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो इस वाले केस में बच्चों आपके पास Br प्लस रहेगा और उस पर कुछ इस तरीके से अटैक होगा, जिससे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट होंगे। तो हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन जो है ना, वो एल्कीन के ऊपर हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, Cl2 प्लस CCl4 लिया था, यहां पर अगर Cl2 प्लस H2 आ जाए तो फिर कहानी चेंज हो जाती है। तो हमें रिएजेंट्स का यहां पर ध्यान रखना है, Cl2 के आगे क्या लिखा हुआ है, Cl2 के आगे आपके पास जो है H2 लिखा हुआ है या आपके पास CCl4 लिखा हुआ है या आपके पास AlCl3 लिखा हुआ है, तीनों जो है आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स या मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यस, अब वापस से देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर अगर Cl+ या Br+ आ रहा है, ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंटी एडिशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब जिस साइड से आपका हैलोजन आया है उसके ऑपोजिट साइड से OH आएगा, क्योंकि यहां पर होगा क्या, यहां पर आपके पास जैसे मैंने लिखा HOCl, इस पे जब अटैक होगा तो होगा क्या, इस पे जब अटैक होगा C डबल बॉन्ड C का, तो यार यहां पर ये Cl पे ऐसे अटैक करेगा, यहां पर आपके पास ClC प्लस ये क्रिएट होगा और अब जो OH माइनस बचा है, OH माइनस आपके पास इस तरीके से अटैक करके ये ओपन करेगा, इसे देखो क्या क्रिएट हो रहा है हमारे पास, एंटी एडिशन प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। हेलोहाइड्रिन के अंदर भी हमारे पास एंटी एडिशन प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके पास जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके, है ना, जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके वहां पर अटैक करता है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, यहां जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है वहां पर अटैक करेगा। और उससे दोनों चीज बन सकती है, उससे आपके पास मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट भी बन सकता है, एंटी मार्कोवनिक ऑफ प्रोडक्ट भी बन सकता है। जैसे सपोज हमारे पास ऐसा हो, है ना, सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर हमारे पास लगा हुआ है सी एस थ्री, ठीक है, और यहां पर हम Cl2 plus H2O करते हैं, तो ध्यान से देखो जो न्यूक्लियोफाइल का यहां पर अटैक है ना, वो कहां पर होगा, उस कार्बन पे जिस पे आपके पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन क्रिएट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, यहां पर आपके पास OH उस पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर बात की जाए, NO2 लगा हुआ है, तो यहां पर जो हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा उसके अंदर, ठीक है, जहां पर NO2 लगा हुआ है वहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कहां पर आएगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट पे जाएगा, ठीक है, यस। तो यहां पर बच्चों आपके पास ब्रिज कार्बोकेटायन बनेगा, मार्कोवनिक ऑफ एडिशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे इस केस में आंसर करो, इस केस में आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, है ना, इस केस में आपके पास क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, जल्दी बचाओ। CCl3 C डबल बॉन्ड C HOCl का एडिशन यहां पर करा रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट आपका यहां पर क्या बनना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जल्दी से बताओ यहां पर क्या होना चाहिए। आई थिंक सभी यहां पर आंसर कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर जो CCl3 ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बन पे, तो वहां पर कार्बोकेटायन बनना फेवरेबल नहीं होगा, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हमारे पास कार्बोकेटायन बनना फेवरेबल होगा। तो यहां पर जब अटैक होगा Cl+ का, ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा CCl3 CC, है ना,
एल प्लस, और अब यहां पर जो OH माइनस अटैक करेगा वो OH माइनस बचो आपके पास इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, इससे क्या बनेगा CCl3 CCl एंड COOH, ठीक है पर्सन मैन, है ना। सो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स पे एड, हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन, इसका मतलब HCl HBr इनका एडिशन, ठीक है HCl HBr, और यहां पर HI जो है वो भी आपका जो है ऐड किया जा सकता है इस तरीके से। पहले वाले केसेस में हम जो है क्लोरीन और ब्रोमीन ही मेनली यूज करके चलते हैं, आयोडीन का एडिशन जो है वो हम नहीं कराना पसंद करते इसके ऊपर, बट यहां पर इस केस में आपका जो है यहां पर HI का एडिशन भी आप करा सकते हैं। यहां पर जो आपके पास वो होगा इंटरमीडिएट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई यहां पर जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो आपका एसाइक्लिक कार्बोकैटायन क्रिएट होता है, ठीक है। जो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफाइल थे जिसमें आपके पास हैलोजन काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, है ना, ऐसे केसेस जिसमें हैलोजन काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, वहां पर आपके पास क्या होता है, वहां पर आपके पास एसाइक्लिक कार्बोकैटायन होता है, सॉरी वहां पर आपके पास साइक्लिक कार्बोकैटायन होता है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर हम HCl HBr HI का जो यूज कर रहे हैं तो देखो HCl कैसा होता है, HCl हमारे पास यहां पर होता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, HBr हमारे पास क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो कहानी तो वही है कि डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एटम पे अटैक करेगा। पिछले वाले केसेस में जो इलेक्ट्रोफिलिक एटम था वो हैलोजन था, पर अगर हम HCl HBr लेके चल रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एटम आपका जो है H हो जाएगा, बिकॉज उस पर डेल्टा प्लस है ना, उस पर जो है आपका डेल्टा प्लस। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम C डबल बॉन्ड C प्लस HCl लेके चलते हैं, ठीक है जी, तो यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो इस तरीके से अटैक करेगा, ठीक है, ये इसको इस तरीके से ब्रेक करेगा। और अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास जो है बच्चों यहां पर हमारे पास साइक्लिक कार्बोकैटायन नहीं क्रिएट होगा, है ना, साइक्लिक कार्बोकैटायन यहां पर क्रिएट नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो आपका साइक्लिक कार्बोकैटायन नहीं क्रिएट कर सकता, जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं साइक्लिक कार्बोकैटायन, नॉर्मल हाइड्रोजन साइक्लिक कार्बोकैटायन नहीं क्रिएट कर सकता। और ये वाला कार्बोकैटायन आपके पास फ्री है ना, ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अब आपके पास सीएल माइनस जो है वो ऐसे भी अटैक कर सकता है, यहां पर ऐसे भी अटैक कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके पास दोनों ही पॉसिबल कॉन्फिगरेशन इस वाले कार्बन पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर प्योर कार्बोकैटायन क्रिएट हो रहा है तो बच्चों आपके पास रीअरेंजमेंट के भी चांसेस हैं, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है अगर आप इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हो। और मार्कोवनिकोव एडिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मार्कोवनिकोव एडिशन का क्या मतलब है, मार्कोवनिकोव एडिशन का यही मतलब है कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, वो आपके पास मोर स्टेबल जहां पर कार्बोकैटायन है वहां पर अटैक करना चाहिए, ठीक है, यहां पर आपके पास ज्यादा स्टेबल है वहां पर अटैक करना चाहिए। बट अगर हम मार्कोवनिकोव की बात करते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जो है वो आना चाहिए, अगर वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे आएगा तो एंटी मार्कोवनिकोव कहलाएगा, ठीक है, यस। चलो जैसे यहां पर है हमारे पास, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन से वाले केसेस में एंटी मार्कोवनिकोव रूल जो है वो फॉलो होगा, कहां पर आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ना? तो ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास किस वाले केस में एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जो है आंसर आएगा। तो अब ध्यान से देखो होगा क्या, यहां पर आपके पास CF3 C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, इसके अंदर हम ये वाला एडिशन करा के देखते हैं, ठीक है, यहां पर H प्लस है, यहां पर Cl माइनस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर आपका जब डबल बॉन्ड अटैक करेगा H प्लस के ऊपर, ठीक है जी, तो CF3 CC H प्लस ये क्रिएट करेगा, है ना जी। क्यों ये चीज क्रिएट करेगा, बिकॉज यहां पर जो कार्बोकैटायन है वो CF3 से दूर रहना चाहता है। CF3 हमारे पास क्या है, CF3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है,
तो इसलिए अब यहां पर जो आपके पास सीएल माइनस आएगा, ठीक है, वो कहां आएगा, वो यहां पर आएगा, और जो कंपाउंड हमारे पास क्रिएट होगा वो बच्चों को इस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक हो रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होकर प्रोडक्ट बनना, दैट इज एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बन। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जो है प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास क्या है, मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो ए यहां पर हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अच्छा जैसे अगर सिर्फ सीएल लगा हुआ है, तो ध्यान रखना अगर सिर्फ सीएल लगा हुआ है एज अ ग्रुप तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं। सीएल जो है वो आपका प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है और वो आपका माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, और इसका प्लस एम इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटायन को स्टेबिलाइज करता है। ये हमने जो है ईएएस के अंदर ध्यान से पढ़ी थी वाली बात कि सीएल या एफ या बीआर या आई ये ऐसे एटम्स हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं, है ना, इस चीज को मत भूलना। तो यहां पर जो होगा, अगर यहां पर आप कार्बोकेटायन बनाओगे तो ध्यान रखना है इसकी बात कि भाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहां पर ये इस तरीके से प्लस एम इफेक्ट शो करके इसको स्टेबिलाईजेशन दे सकता है। अगर कोई भी कार्बोकेटायन जो है ऐसे एटम के पास क्रिएट हो रहा है जिस पे लोन पेयर है, तो वो क्या होगा, हमेशा लोन पेयर लेके स्टेबिलाईज हो जाएगा, isn't it? अगर हमारे पास कार्बोकेटायन जो है ऐसे क्रिएट हो रहा है किसी एटम के पास जिस पे एक लोन पेयर है, तो वो स्टेबिलाईज हो जाता है उसे इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपके पास यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसमें सीएल माइनस जो है ना, वो यहीं पर अटैक करेगा, इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड पे ही अटैक करेगा, और इसकी वजह से आपके पास क्या क्रिएट होगा बच्चों, इसकी वजह से आपके पास मार्कोवनिकोव कंपाउंड ही क्रिएट होगा, है ना, यहां पर मार्कोवनिकोव कंपाउंड ही क्रिएट होगा। तो यहां पर आपके पास एंटी मार्कोवनिकोव जो है वो नहीं आएगा, है ना, यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव इस केस में आएगा। देखो इस केस में भी सेम ही बात है, इस केस में भी क्या है, इस केस में अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है और यहां पर हमारे पास एच प्लस आया, ठीक है, इसने ऐसे अटैक करा, इससे क्या बना, इससे हमारे पास कुछ इस तरीके का बना सी सी एच, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, वापस यहां पर ये लोन पे ऐसे क्या कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। प्लस एम डोमिनेट क्यों कर रहा है इधर, देखो यहां पर जो है अगर हम बात कर रहे हैं लोन पेयर के डोनेशन की, तो लोन पेयर डोनेशन जो है वो हमेशा आपके पास जो है रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबिलाईजिंग फैक्टर होता है। ये हमने ऑक्सीजन के केस में भी सीखा है, ऑक्सीजन के केस में आप कोई भी ऐसा आइटम ले लो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन आयोडीन, हमेशा ये कार्बोकेटायन को अपना प्लस एम देके स्टेबिलाईज कर सकते हैं। बट हाँ, ये रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, अगर मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी पे, तो ये रिएक्टिविटी को कम करता है ना, बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे हमने ईएएस में पढ़ा, बेंजीन के अंदर पढ़ा, बेंजीन में क्लोरीन जो है वो लोन पेयर देता है और ओपी डायरेक्टिंग बनाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है आपके पास कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबिलाईज हो पाता है और वहां पर जो है ओवरऑल रिएक्टिविटी कम करता है। तो बिल्कुल वही केस यहां पर भी देखने को मिलेगा, यहां पर ये कार्बोकेटायन को स्टेबिलाईज कर सकता है, ठीक है, बट ओवरऑल रिएक्टिविटी को कम करेगा, ठीक है जी, यस, चलो। और इसके आगे जो हमारे पास हाइड्रेशन रिएक्शन है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, और इससे है ना, इसको हम यहां पर देख ही लेते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो हाइड्रेशन रिएक्शन के हमारे पास एल्कीन्स जो होती हैं, है ना, उसके अंदर हाइड्रेशन रिएक्शन का ये मतलब है कि यार वहां पर H2O का एडिशन, ठीक है, वहां पर क्या है H2O का एडिशन, ये हम देख रहे हैं। इसमें देखो यहां पर C डबल बॉन्ड C जो होता है इस पर हम क्या करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में रखते हैं वॉटर को, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर वही मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और कुछ इस तरह की रिएक्शन जो है वो जो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर हमें कुछ इस तरह की रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है जहां पर हाइड्रेशन हो रहा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड पे आपका H और OH ऐड हो रहा है, H और OH ऐड हो रहा है। ये कहां पर होगी, ऑब्वियसली जैसा मैंने यहां पर रिएजेंट लिखा है डाइल्यूट एसिड के केस में होगा। डाइल्यूट एसिड आप कैसे बना सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 से बना सकते हो। अब ध्यान रखना H2SO4 के अंदर सल्फेट आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, ये हमने पहले भी सीखा था।
सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन ये न्यूक्लियोफाइल का काम जनरली नहीं करते, है ना। तो ऐसा मत करना यार SO4-2 ऐड कर दिया, नहीं। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो H2O है उसका ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, और बाकी जो कहानी है वो सेम ही रहेगी। बाकी की कहानी देखो सेम ही रहेगी। बाकी की कहानी में क्या है, बाकी की कहानी में देखो यहां पर मार्कोवनिकोफ एडिशन देखने को मिलेगा, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है और दी अरेंजमेंट हो सकता है, जैसा हमने HX के केस में देखा था, है ना। वही कहानी यहां पर भी है। तो जो HX के केस में है वही आपके पास H+H2 के केस में रहती है, ठीक है। यस, चलो यहां पर ये आपके पास बच्चों क्वेश्चंस हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इनको हम जो है JPP के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना जी। इनको हम JPP में डिस्कस करेंगे, एंड ये बच्चों आपका रेगुलर टाइम टेबल है ना। एंड अगर आप जो है रेगुलरली यहां पर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स बच्चों हमने livedaily.me/j इस लिंक के ऊपर डाल रखे हैं, और अगर जो है आप मेरी प्रोफाइल फॉलो करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो बच्चों आपको वहां पर और भी बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल और प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भाई प्रैक्टिस जो है वो हमें और चाहिए, तो बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल और आपके पास वो चीजें बच्चों आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो करके मिल जाएंगी। तो आप अनअकैडमी पे जाके प्रोफाइल फॉलो कर लेना, है ना। यहां पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी आपको जो है वो देने की जरूरत नहीं है, है ना, कि ये पेड प्लेटफॉर्म पे ही आप फॉलो कर सकते हैं। ये आप जो है नॉर्मली जाके भी अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर बहुत सारे आपके पास फ्री चीजें या फ्री आपका कंटेंट अवेलेबल है, और वो फ्री कंटेंट के अंदर एक कंटेंट आपके पास स्पेशल क्लासेस रहती है। स्पेशल क्लासेस के लिए आप बच्चों ये वाला कोड यूज कर सकते हैं अनुपम, या फिर आप चाहें तो अनुपम लाइव कोड का भी यूज कर सकते हैं, और इस कोड को यूज करके आप अपना फ्री कंटेंट जो है वो वहां पर अनलॉक कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का, जहां पर हम यही वाला चैप्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी जो है वहां पर जो भी वहां पर क्लास होती है उसके अंदर और ज्यादा हम डिटेल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, डिटेल में चीजें समझते हैं, तो जो आप यहां पर ये जो है अनुपम या अनुपम लाइव कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, और मुझे पता लगता है कि यार ये क्लासेस जो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, ठीक है। और यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आपके पास वो सारे मटेरियल, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि आपको अपना बेस्ट रैंक लाने के लिए चाहिए, चाहे आप लाइव क्लास में एनवायरनमेंट की बात करो जहां पर हम इंटरएक्टिव वे में पढ़ते हैं, या फिर आप डाउट क्लियरिंग की बात करो, ठीक है, या फिर आप जो है यहां पर पोल्स लीडरबोर्ड्स की बात करो, यार ये सभी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल है, और ये आपको अपना बेस्ट रैंक लाने में जो है मदद करती है। बिकॉज अल्टीमेटली बेस्ट रैंक जो है वो JEE का वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो नहीं आता, बहुत सारा प्रैक्टिस जो है, बहुत सारी कंसेप्ट क्लियरिंग, बहुत सारी डाउट सेशंस, बहुत सारे टेस्ट, ये सब देके आता है, है ना। कोई भी स्टूडेंट जो है आज की तारीख में JEE सिर्फ इस बेसिस पे नहीं दे सकता कि उसने थ्योरी पढ़ी हुई है, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी कंसेप्ट क्लियरिंग, बहुत सारा टेस्टिंग, ये उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप अपना बेस्ट ट्रैक लेके आना चाहते हो, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको ये सारी चीजें जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स जो है वो जो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से इनसे पढ़ने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो, और फिर आपको जो है जाना है बच्चों वहां पर प्लस सेक्शन में, 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको वहां पर लेना है, बिकॉज उसके अंदर आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं, और वहां पर अनुपम लाइव कोड यूज करेंगे या अनुपम कोड यूज करेंगे, तो जैसा मैंने बताया मुझे पता लगता है कि यार ये क्लासेस जो है उसमें तुम्हें कितना हेल्प मिला है, मुझे भी खुशी होती है, और साथ में तुम्हें जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में। एंड यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो आपको पर्सनल मेंटर्स भी असाइन होते हैं, ठीक है। उसी के साथ देख लो यहाँ पर प्राइस हाइक जो है वो आ सकता है, तो आप जितना जल्दी लें उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। और यहाँ पर नए बैचेस जो है बच्चों वो भी लॉन्च हो चुके हैं अगस्त के अंदर, जिसमें 22 और 23 एस्पिरेंट्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इनका कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप इनके अंदर एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेश जो कोर्स है पूरा पूरा करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रही है अपने जो है इसके लेने में, सब्सक्रिप्शन लेने में, तो बच्चों आपको 4 करोड़ प्लस की जो है स्कॉलरशिप में से स्कॉलरशिप लेने का मौका है। आप 29 अगस्त को 11 बजे जो है अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट दे देना। अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट जो है वो आपके पास अनअकैडमी के ऐप पे होता है, और वहां पर बच्चों आप जो है अनुपम लाइव कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो है यहां पर अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा देना, ताकि हमारे इस तरह के अमेजिंग लेक्चर जो हैं वो बिल्कुल मिस ना हो जाए, ठीक है। चैप्टर अभी भी और चलेगा, है ना, और भी यहां पर हमारे पास आज हमने एल्कीन्स की बात करी, इसी तरीके से हम एल्काइन्स की भी बात करेंगे और एल्का डाइइन्स की भी बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, बाय एवरीवन।